प्रखंड उद्यान पदाधिकारी बनमनखी श्री वेद प्रकाश जी और ASI सअनि वीरेंद्र कवि सरसी थाना के एवं तमाम दल बल के साथ तैनात दिखे इस नॉमिनेशन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेशी। जी हाँ, बनमनखी अनुमंडल में आज हम हैं और यहाँ पर आखिरी दिन चल रहा है नॉमिनेशन का, नामांकन का, और यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिला। बताते हैं हम कि बनमनखी अनुमंडल में इस बार इस तरीके से नॉमिनेशन हुई है मानो बाढ़ आ गया हो। इसी में सब पैसा रखा है कि हम वार्ड पार्षद बनेंगे तो पैसा तो अयबे करेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक वार्ड से कम 20-22 प्रत्याशी अपना नामांकन किया है। भले ही स्कूटनी कल होगी, उसका छाट होगा, लेकिन देखा ये गया कि कम से कम 20-25 एक वार्ड से कैंडिडेट है। तो मतलब क्या है? खाली पैसवा मतलब है। यह लिए बनमनखी में बाहर है। अगर आप बनमनखी का स्टेशन रोड अगर चले जाइएगा बस स्टैंड रोड से, तो आपका जूता है तो बढ़िया रहेगा, अगर मोटरसाइकिल है तो ठीक रहिएगा, और गाड़ी में अगर चार चक्का में है तो आराम से जाइएगा। लेकिन पैदल मार्च करने वाला व्यक्ति को इतना परेशानी होगा कि प्रहलाद नगरी का सिर्फ बदनामी ही बदनामी है। कहने को तो धीमेश्वर धाम है, कहने को तो महर्षि महिदास के जन्मस्थान है, लेकिन बनमनखी में इतना प्रॉब्लम देखा गया है, इतनी परेशानी है, जो बनमनखी की जनता त्राही माम है। बनमनखी अनुमंडल से MS के लिए नामांकन किए हैं 12 नंबर वार्ड में, वार्ड पार्षद से खड़ा हुए हैं। इसीलिए अगर आप वार्ड नंबर 12 से जीत हासिल करते हैं तो मुख्य तीन ऐसा कौन सा काम होगा जो जनता के बीच आप करेंगे? रोड नाला, उसका जो नाला में बना है, नाला भी नहीं हुआ, नहीं भेपर कहीं लगा, नहीं कल लगा, नहीं उसका इंदिरा आवास मिला है। जनता को सेवा करेंगे, अगर करेंगे फिर हमको खोजेगा, नहीं सेवा करेंगे तो नहीं खोजेगा। जनता का सेवा करना है जी। क्या परिचय हुआ? नीलम देवी। वार्ड नंबर 12 हुआ। 17 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद। अच्छा, ये बताइए, आपके बनमनखी का हालात तो आपको पते है जी, और हर वार्ड का हालत पता है। हाँ। आप अपने वार्ड में जी कैसा विकास करेंगे? कम से कम 300 विकास का नाम बताइए। सर विकास करेंगे। हाँ जी, आवास है, आवास है जी, शौचालय सबको मिल गया। हाँ, कागज पे सबको जी मिला नहीं है? नहीं, कागज पे बना है जी। हाँ, जो काम छूटा हुआ उसको आगे बढ़ाएंगे। 17 में एक चीज रोड का बड़ा हालत खराब। हाँ, बहुत हालत खराब है जी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रयास करेंगे उसका भी। पति का क्या नाम? ब्रह्मदेव चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज से नॉमिनेशन किए हैं? उप मुख्य पार्षद से वाइस चेयरमैन से। अच्छा, तो आप ये बताइए, चूँकि बनमनखी का हालात तो आप देखिए रहे हैं। हाँ। एकदम सरसरी निगाह से है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी बनमनखी में जो खास करके गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्लॉक में चाहे यहाँ पर आप ले लीजिए, हर जगह है, इसका बात होता है, इसके ऊपर में क्या सुधार लाएंगे अगर जीत गए भगवान करे तो? मैं भी यहाँ का उप मुख्य पार्षद रह चुका हूँ जी। आप मेरे रीजन का पता लगा लीजिए कि पब्लिक से एक नया पैसा घूस नहीं लिया जाता था और पब्लिक को सुविधा दिया जाता था, और नगर पंचायत का मैं उपमुख पार्षद था, नगर पंचायत को हम लोग कंट्रोल में रखते थे। लेकिन आज की स्थिति है कि नगर पंचायत जो परिषद हो गया है वह अनकंट्रोल है, बिल्कुल अनकंट्रोल है। मेरा जो नया आवास बना के रह रहा हूँ, वहाँ का आप रोड देखिएगा, मात्र 3 साल पहले बना है, वह नदी हो गया है। नदी नाला का शहर अगर बनमनखी को कहा जाए तो कोनो बेजाय नहीं, कोई बेजाय नहीं है। जिंदाबाद। मेरा नाम नवरतन चौधरी है, मैं एक्स वाइस चेयरमैन हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद नॉमिनेशन किए हैं। उप सभापति पद से एक बात बताइए, आप उप सभापति पद से तो बहुत सारे नॉमिनेशन किए, आप में क्या नया है जो बनमनखी को देने जा रहे हैं? सबसे पहली बात है कि हम 15 साल पंचायत का मुखिया भी रह चुके हैं जी। 3 टर्म से मेरा सरकारी कार्य से नाता रहा है, और बनमनखी नगर पंचायत की जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, आज की दौर में, आज की डेट में हर जगह जो गंगा नदी बह रहा है, इससे तो सबसे पहले मुक्त होगा। अभी जो स्थिति है, जैसे बगल में नाला बना, ढकनवा फूट गया, 3 महीना माला की बात है। एक बात ही है कि नाला तो हम भी बनवाए हैं जी। मेरा जो बनावा नाला है उस पर ट्रक को चढ़ा दिया जाए, यदि मेरा नाला टूट जाएगा तो मैं आज नॉमिनेशन से वापस ले लूं। अनिल यादव जिंदाबाद।
जिंदाबाद। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार यादव। कौन चीज के लिए नामांकन किए हैं? वार्ड पार्षद के लिए। कितने वार्ड से? 20 वार्ड से। नया कैंडिडेट हैं? जी हम दूसरा है, पहले मुखिया में भी खड़ा हुए थे। पहले मुखिया में खड़ा हुए थे? पंचायत लेवल से। कौन सा वार्ड बोले? धीमा बिशनपुर दत्त। अभी 20 वार्ड से। 20 वार्ड से। 20 वार्ड में तो अभी तक तो कचरा देखने को मिल ही रहा है भ्रष्टाचारी के मामले में। अब मिल रहा है सर, तो हम उसको क्या करेंगे? अभी तो सभी तरह का ये देखना होगा। हम लोग अभी दिए हैं, अगर कहीं भगवान की जीत जाए, हम गांव का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे, यही करेंगे, और क्या करेंगे? तीन नया चीज पब्लिक के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले रोटी, जो गरीब है उसको गरीबी को देखना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारे समाज में जो त्रुटियां है उसको हम देखेंगे। इसके बाद विकास आगे की ओर हम देखेंगे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ आए हैं? नामांकन देने के लिए। क्या चीज का नामांकन देना है? वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद। क्या नंबर वार्ड से? एक नंबर वार्ड। एक नंबर वार्ड से जीतेंगे तो क्या करेंगे? जनता सेवा करेंगे। सेवा में कैसे सेवा करिएगा? नया कुछ पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं? नया पब्लिक लिए, नया पब्लिक के सेवा करेंगे। अच्छा ये बताइए आप कि अभी वार्ड नंबर एक से आप नॉमिनेशन किए हैं? पहली बार किए हैं ना? पहली बार किए। आप पहले से भी सोशल वर्कर हैं? का मदद कर रहे हैं पहले से? मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं, आपको कई बार देखे हैं। वार्ड के लिए काम करेंगे। गरीब जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्या नाम बताया आप? संज्ञान देवी जी। धन्यवाद। देवी नाम है। वार्ड नंबर खराब हो रहा है जी। किसी वार्ड से? दो नंबर वार्ड से। दो नंबर वार्ड से जी। वार्ड पार्षद जी। जीत जाएंगे तो सबसे पहला क्या मुद्दा रहेगा? वहाँ का जल जमा हो जाता है। अच्छा। दो नंबर वार्ड में और बहुत ऐसा वृद्धा आदमी सब है जो उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, खास करके मोहंडम को। आम पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? उनका विकास करना चाहेंगे, और क्या चाहेंगे? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम आशा देवी। कितने नंबर वार्ड से आप? दो नंबर वार्ड से। किस पद से नॉमिनेशन किए हैं? वार्ड पार्षद से। कौन सा? 11 के लिए। 11 के लिए जी। अरे ये बताइए, पहले से ही 11 नंबर में बहुत सा रोड का समस्या दिखाई दे रहा है। रोड ही नहीं, नाला का भी, पानी का भी। जी जी। अच्छा रोडवा आ गया तो नाला जी 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 जी। अच्छा इसके ऊपर में क्या कहना चाहिए? आज पूरा वार्ड, समस्त वार्ड का लोग त्रस्त है इस चीज से। आज आप अच्छा पेंट पहन के आप मेन रोड पे नहीं आ सकते हैं। अब बोलता है नेता सब कुछ चप्पलवे पहन के जाइए जी। एकदम चप्पलवा नहीं, चप्पलवा हाथ में लेके चलिए, हाथ में लेके जाइए। अच्छा, पहला तीन काम आप क्या कीजिएगा बढ़िया बढ़िया पब्लिक के लिए? पहला तो अपने वार्ड के लिए एक स्पेशली उस वार्ड के लिए एम्बुलेंस हो, जो जिनको जाने के लिए रात को 24 घंटा कहीं भी जाना हो उनको अपना पर्सनल वार्ड में एक एम्बुलेंस हो। पूर्णिया जाना हो, कटिहार जाना हो, भागलपुर जाना हो, सिलीगुड़ी जाना हो, हॉस्पिटल का सहारा नहीं ले, वो वार्ड में पर्सनल एक एम्बुलेंस हो। है इसका मांग सब कमीशन खोर हो गया है। अच्छा। उसी के लिए पूरा यूथ आया है इस बार। हाँ। पूरा उखाड़ के फेंकना है पूरे इस भ्रष्ट सिचुएशन को। आम पब्लिक से क्या कहना चाहिए? हम आपके उम्मीद पे हमेशा खरा उतरेंगे, पहले ईमानदारी और हमेशा ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। पूरे समस्त बनमनखी के सम्मानित जनता को दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। कौन से पद के लिए नामांकन किए हैं? उप मुख्य पार्षद, उपसभापति। उपसभापति जी। अच्छा, बनमनखी में आमतौर पर भ्रष्टाचारी देखने को मिल रहा है, क्या लगता है जीत हासिल होने के बाद ये टूट पाएगा भ्रष्टाचारी का जो माहौल बना हुआ है बनमनखी? प्रयास करेंगे, भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो उसको जरूर मिटाएंगे। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा छोटा, लेकिन आप लोग पत्रकार बंधु से नम्र निवेदन है, कम से कम भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है इस चीज के विषय में हम लोग को जानकारी दीजिए। एकदम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक में जितने भी स्टाफ है जी, अगर कोई गरीब निसहाय व्यक्ति पहुँचता है, उसका कोई कागजात निकालने का होता है, तो बड़ा बाबू से लेकर के छोटा बाबू तक हर जगह हर ही का बात होता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसका साक्ष्य है जो उनके विरोध में हम लोग, जनता का जन समर्थन है हम लोगों के साथ, और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जोर शोर से लड़ाई लड़ेंगे। आप किस वार्ड नंबर से? मैं उपाध्यक्ष निवर्तमान में, हमारी पत्नी अभी यहाँ की उपसभापति है नगर परिषद की, और मैं उपसभापति का नामांकन दिया हूँ। क्या परिचय हुआ सर? गोपाल चौधरी, पूर्व पार्षद, उपसभापति प्रत्याशी। बहुत बहुत धन्यवाद। किस पद के लिए नॉमिनेशन किए? वार्ड नंबर 24 पार्षद पद के लिए नॉमिनेशन दिए हैं। पहली बार आप नॉमिनेशन किए हैं? हाँ, पहली बार। अच्छा, क्या लक्ष्य है आपके जनता के बीच में जाने के बाद? आप क्या क्या जो इसका उद्धार होगा आपके क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? तो जितना भी विकास होगा, जितना नगर निगम पद से कोई भी सभापति अगर अच्छा कैंडिडेट अगर उम्मीदवार जीते। कितना नंबर वार्ड संख्या बोले आप? 24 नंबर। 24 नंबर। रोडवा बहुत नीचे है, नाला ऊपरे है।
पानी एकदम पूरा का पूरा चल रहा है, उसको छोड़िए, आप अपने विकास में 3 विकास ऐसा बोलिए जिससे लोग आपका प्रसन्न हो जाए। नाला है, उनके बाद जिनको घर नहीं है उनके बाद घर बनाया जाएगा, उनके बाद शौचालय भी बहुत को नहीं है, शौचालय बनाया जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? सिकंदर कुमार। तनी जोरों से बोलिए। सिकंदर कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।